हेलो, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह ही सौरभ जोशी का वीडियो देखा मैंने, तो उनके पूरे परिवार को कोरोना हो गया है। तो जैसा आप सभी को पता है कि कोरोना की दूसरी लहर है और कितनी बुरी तरह से इंडिया में फैली हुई है, और सभी लोगों को घर में रहने की सख्त हिदायत दी जा रही है, लेकिन लोग घर में रहना ही नहीं चाहते हैं, बाहर घूम रहे हैं, और जिसकी वजह से ये फैलता जा रहा है। और अगर इसको रोकना है तो क्योंकि अभी तक वैक्सीन सबको तो लग नहीं पाएगी इतनी जल्दी, अभी आज की डेट तक 17 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है, और ऐसे देखा जाए तो अभी 130-140 करोड़ लोगों को लगने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसका एक ही इलाज है, घर में रहो, मास्क लगाओ, सुरक्षित रहो। और सौरभ जोशी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका परिवार जल्दी से जल्दी रिकवरी करे और अच्छा हो जाए, और उनके अच्छे से अच्छे ब्लॉग फिर से देखने के लिए मिले हमें, और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, योग करें। और जिसको कोई भी लक्षण आता है, थोड़ा बहुत भी लगता है कि हाँ उसको कोरोना हो सकता है, तुरंत घर में आइसोलेट कर लें ताकि वो घर के और मेंबर्स में फैलने से बचा जा सके, और नहीं तो अगर एक बार सबको हो जाएगा तो प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जिस किसी में भी ऐसा लक्षण आता है वो तुरंत ही खुद को आइसोलेट कर ले, और इसके बाद डॉक्टर की सलाह ले दवाई के लिए, ना कि व्हाट्सएप फेसबुक पे सलाह लेता फिरे कि हाँ कौन सी दवाई खानी कौन सी नहीं खानी। तो फेसबुक पे डाल दोगे, व्हाट्सएप पे डाल दोगे तो हजारों सलाहकार आ जाएंगे सलाह देने के लिए, लेकिन आपको किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी है इस चीज़ की और फिर दवाई करना है। तो सौरभ जोशी के लिए एक बार फिर गॉड ब्लेस देम एंड गेट वेल सून। मिलते हैं अगले वीडियो में।